खेला गया। फाइनल अपने नाम करने वाली टीम को 15 लाख रुपए इनाम दिया गया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए लाहौर कलंदर्स के CEO राना आसिफ ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। तफसीलात ज़ाहिर शेरवानी से। लाहौर में पबजी के फाइनल की तैयारियां जारी। 4 अफराद की टीम किसी भी मुल्क और शहर में बैठकर गेम में हिस्सा ले सकती है। इस गेम में हिस्सा लेने वाले जवान खासे पुरजोश हैं। उनका कहना है कि दूसरी गेम्स की तरह पबजी में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। आप इसमें सर्वाइव करते हो, आपको एंड तक जाना होता है फॉर चिकन डिनर। 4 बंदे होते हैं, एक टीम में होता है, तो वो बंदे जो है डिफरेंट कंट्री से भी हो सकते हैं, अपने शहर के, अपने स्कूल की, यूनिवर्सिटी की भी हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान की दूसरी टीम क्रिकेट की टीम हो गई, हॉकी की टीम हो गई, इसी तरह से ये टीम भी होती है पबजी की भी, वो दूसरे कंट्रीज में जाके खेलते हैं और पाकिस्तान का फ्लैग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बाइक के स्पॉन्सर वगैरह आते हैं ऑब्वियसली वो अपना रेवेन्यू देखेंगे यहाँ पे। अगर ये इवेंट वगैरह सक्सेसफुल जाता है तो स्पोर्ट्स काफी ग्रो कर सकता है पाकिस्तान में। खिलाड़ियों का कहना है कि वो घर बैठे कई कई घंटे नित नए तरीके अपनाते रहते हैं ताकि मुखालिफ टीम को जेर कर सकें। हर टीम की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है जो डिस्क्लोज नहीं करते, हम अपना अपना स्ट्रैटेजी से खेलते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल लेवल पे खेलना है, नेशनल इवेंट्स वगैरह, तो उसके लिए प्रैक्टिस भी लाजमी है, काफी मिनिमम 6-7 आवर्स अ डे। इसके ऊपर आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ती है जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। खिलाड़ियों का ये भी कहना है कि पबजी सनसनी खेज गेम है, ये भी कोशिश होती है कि पढ़ाई मुतासर ना हो। इस गेम में अच्छे और सेहतमंद दिमाग की जरूरत होती है। स्टडीज भी अपनी करते हैं और साथ गेम भी खेलते हैं। ये है कि आउटिंग हम लोगों की नहीं होती, कंपटीशन काफी ज्यादा होता है, तो टीम्स की स्टडी और उसके बाद नए मैच के साथ खेलना पड़ता है, तो उसको स्टडी करना पड़ता है। चाइना के अंदर पूरी एक ई-स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी कमेटी बनी हुई है, तो पाकिस्तान ने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना चाहिए। पबजी के खिलाड़ियों में टीन एजर्स की तादाद ज्यादा है। तकरीब में म्यूजिक और लाइट से भी माहौल गर्मा रखा है। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ अदनान मलिक, जियो न्यूज, लाहौर। एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इनकी क्या पसंद है? सबा ये यार मेरी पसंद है, उससे शादी ना होती, उनसे शादी। सबा से ना पूछो हम ये बात, हम उससे ना होती तो उनसे होती, वो तो रेडी बैठी।